वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है, 13 सितंबर का यह मैसेज है। तो जो लेटर आया हुआ है या मेल आया हुआ है, उसके माध्यम से आपको क्या सूचना दी गई है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने भी वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म फिल किया हुआ है और वेस्टर्न रेलवे के 3591 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। चाहे आप किसी भी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, सारे डिवीजन के अपडेट्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको अंत तक वीडियो को देखना है, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स ना रहें और सारी जानकारी आपको प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल के ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वेस्टर्न रेलवे में कोई भी प्रकार के जो अपडेट्स आते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं या कोई भी रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी हो, रेलवे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी हो, आईटीआई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध होती है। अगर आपने भी आईटीआई गवर्नमेंट जॉब्स के आधार पर, डिप्लोमा जॉब्स के आधार पर तैयारी कर रहे हैं और ट्रेड थ्योरी की तैयारी भी हमारे चैनल पर कराई जाती है, सो गाइस अगर आपके लिए हमारी जानकारियां इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल अपडेट में जो है हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई से अपडेट आया हुआ है। अलग अलग डिवीजन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं श्री शुभम खेसारी जी ने हमें यह ईमेल भेजा है और इसके लिए हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के ईमेल से हम अदर कैंडिडेट्स की हेल्प कर पाते हैं, अदर कैंडिडेट्स को जानकारी प्रोवाइड कर पाते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाता है कि किस अपडेट में, किस डिवीजन में क्या अपडेट चल रहा है। तो अगर आप भी हमें किसी भी प्रकार की जानकारी भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है mkvspecialtech@gmail.com। आपको ईमेल आईडी हमारे अबाउट चैनल में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल आईडी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आपकी क्वेरीज दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें करेक्शन का है। तो क्या करेक्शन किया गया है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न रेलवे में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो है ईमेल्स प्राप्त हो चुके थे कैंडिडेट्स को, लेकिन वहाँ पर जो डेट है वो करेक्शन जो है करेक्शन हुआ है उसमें। तो क्या करेक्शन हुआ है वो भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर बोला गया है कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 वेस्टर्न रेलवे एचक्यू ऑफिस सीसीजी कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हैं यह कॉल लेटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसका ऑफिस ऑर्डर या ऑफिस इवन नंबर डेटेड 8 सितंबर को है। तो यहाँ पर इन रेफरेंस टू दिस ऑफर लेटर डेटेड 8/9/2021 द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप अंडर एक्ट 1961 अगेंस्ट RRC नोटिफिकेशन डेटेड 18/5/2021 ऑन अस 28/10/2021 में वी करेक्टेड टू रीड अस 28/9/2021। यानी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो कैंडिडेट्स को मेल आए हुए थे वो किस प्रकार के मेल आए हुए थे वो भी मैं आपको बताऊँगा, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मेल। ओनली डेट ऑफ बर्थ का जो डेट, ओनली डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट का करेक्शन है। तो यहाँ पर आपने देख लेना है 28/10/2021 को 28/9/2021 पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट टू डिप्टी CPO इंजीनियरिंग 3rd फ्लोर ओल्ड ब्रिज वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई 400020 along with all required document mentioned in the letter referred above on 28 September 2021। तो यहाँ पर एक लेटर आया हुआ था, देखिए ये डिप्टी CPO का साइन है। तो यहाँ पर डिप्टी CPO यानी चीफ पर्सनल ऑफिसर होता है, और आप देख पा रहे हैं ये मेल प्राप्त हुआ था, अभी मेल प्राप्त हुआ है 28 सितंबर को इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जबकि जो पहले ईमेल आया था उसमें गलती से जो है मिसप्रिंट हो गया था, जो कि 28/10 दिखा रहा था, आप देख पा रहे हैं 28/10, तो ये एक महीने लेट हो गया था। तो आपको यहाँ पर
सूचना दी जाती है कि यह एक महीने लेट नहीं है, यह जो है 1 month पहले ही है, यानी इसी मंथ में जो है सितंबर के मंथ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित कराया जाएगा। तो इसके लेटर में जो ऑफर लेटर आया हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसमें आप नोटिफिकेशन नंबर अपना चेक कर सकते हैं। इस डेट में नोटिफिकेशन नंबर 3591 पदों के लिए ये जो है मैच करता है। तो यहाँ पर वे कैंडिडेट जिन्हें कहाँ पर जो है रिपोर्ट करना है, ये जानकारी भी इस ईमेल्स के माध्यम से दे दी गई है। डिप्टी सीईओ पो 3rd floor है ना, यहाँ पर आपको चर्च गेट मुंबई वाले कैंडिडेट्स के लिए ये अपडेट है। और आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं, अगर आपने डिप्टी सीपीओ से फॉर्म को फिल किया है तो आप यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई के लिए यह कॉन्टैक्ट नंबर ओनली है ना। अगर आपने भी HQ से फॉर्म को फिल किया हुआ था तो आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां एक दिन पहले इंटीमेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बताएंगे आपको राजकोट डिवीजन की बात। तो राजकोट डिवीजन में DV चल रहा था, अभी DV एंड हो गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब ज्वाइनिंग का अपडेट आना बाकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे रतलाम डिवीजन का। तो रतलाम डिवीजन के जो कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट कैंड जो लिस्ट आई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सेकंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। यानी रतलाम डिवीजन में फर्स्ट और सेकंड तो दो लिस्ट आ चुकी हैं, अब ज्वाइनिंग का अपडेट अभी नहीं आया है। जैसे ही ज्वाइनिंग का कोई अपडेट आएगा हम इस सूचना को आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे लोअर परेल की। तो लोअर परेल में भी DV हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, ज्वाइनिंग होना बाकी है। इसके अलावा BCT डिवीजन की बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंतजार है। तो BCT डिवीजन के लिए जो है यहाँ पर जैसे ही कोई मेल या मैसेज हमें प्राप्त होता है हम आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर आपके लिए यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप अभी भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है mkvspecialtech@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम जो है क्रैक करना चाहते हैं ITI बेस्ड, जैसे कि BHEL, SEL, मेट्रो रेल, रेलवेज, DRDO, HAL, इन गवर्नमेंट संस्थाओं में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कोर्स है, इससे रिलेटेड जो ट्रेड थ्योरी के वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पानी है तो भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ITI से जुड़ी हर जानकारी आपको दी जाती है, चाहे आपके रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो या लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो। इसके अलावा अभी वेस्टर्न रेलवे का बहुत सारे कैंडिडेट्स ईमेल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपडेट शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ अपडेट्स हमें अगर नहीं मिल पाते तो आप हमारी मदद कर सकते हैं जानकारी भेजकर, ताकि हम अदर कैंडिडेट्स को उनको प्रोवाइड करा सकें। इसके अलावा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उन्हें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारी ईमेल आईडी अबाउट चैनल पर, जैसे ही आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे वहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ईमेल आईडी दे दिया है, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, कोई अपनी क्वेरीज हो उसे पूछ सकते हो।